आज पूरा भारतवर्ष के जो लॉकडाउन के 8 दिन पूरा हुआ है और 13 दिन अभी बाकी है, और हिमाचल प्रदेश में अभी एक ही पॉजिटिव केस है, इसका श्रेय हिमाचल वासियों को जाता है। लेकिन इसमें हम कॉम्प्लेजेंट नहीं होना चाहिए। जिन राज्यों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं था, वहां पे एकदम 15-20 केसेस हुए हैं। इसलिए ये कई देशों में भी इसी तरह हुआ है। सबसे नीचे रहे देश जैसे इटली, अमेरिका सबसे ऊपर चले गए हैं। इसलिए कभी भी हम इसको लाइटली नहीं लेना है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स में जिनको जरूरत है सामान लाना है वही बाहर निकलना है, और इसको स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट करने से हम हिमाचल प्रदेश में इसको कंटेन करने में कामयाब हो सकते हैं। एक बात और आजकल मीडिया में आ रहा है, जो तबलीग जमात के जो हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में जो हुआ, जो लोग दिल्ली गए या बाहर के राज्य के जो तबलीग जमात के लोग हिमाचल आ रहे हैं, इसके बारे में मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो 17 लोग जो निजामुद्दीन गए हैं वो वहीं पे है और क्वारंटाइन में है, और वो सेफ भी है, उनको कोरोना वायरस का कोई सिम्टम भी नहीं है। और जो इसके रिलेटेड जो भी दिल्ली गए हैं मार्च महीने में, उन सबको क्वारंटाइन किया है, वो 190 लोग हैं। जो नेरवा में जो हमने क्वारंटाइन किया, वो अखबार में लिखा है कि वो निजामुद्दीन से आए, वो निजामुद्दीन से नहीं आए, वो मिसर वाला सिरमौर से आए हैं, और उनको भी क्वारंटाइन में रखा गया है। इस वक्त किसी तरह का समस्या नहीं है। एक बात मैं और आम जनता को बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश 19 तारीख को ही फॉरेन टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिस्ट को हिमाचल आने से रोक लगाई थी। इस कारण से हम अबाउट 600 व्हीकल्स जो परवानों से ही वापस किया था, और यात्रियों को भी हिमाचल आने नहीं दिया था। और जो तबलीग जमात के जो लोग बाहर राज्य से जो हिमाचल आने का प्रयास कर रहे थे या आने लगे थे, उनको भी बॉर्डर से ही वापस किया था, जो आए हुए थे उनको वापस किया गया था। इस कारण से हिमाचल में इस तरह का कोई समस्या नहीं है। हिमाचल सरकार ने सबसे पहले खड़ी कदम उठाई है। मैं मुस्लिम बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे फ्राइडे नमाज मस्जिद में ना करें, अपने घर में रहे, घर में ही करें। और किसी भी धर्म का रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन हम कर्फ्यू पीरियड में अलाउ नहीं कर सकते हैं, और ये कर्फ्यू का वायलेशन रहेगा। और सभी धर्म के प्रति मुझे पूर्ण रेस्पेक्ट है, और पूरा भारतवर्ष जो है सर्वधर्म समद्भाव के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे संविधान के 51 ए एच के मुताबिक जो है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, और जो इंसानियत को बढ़ावा देना और अपने आप को सुधारना, समाज को सुधारना साइंस के आधार पर, वो हर एक नागरिक का कर्तव्य है। ये फंडामेंटल ड्यूटी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और अफसोस की बात है कि हमारे देश में ज्यादा लोग जो है वो इसको फंडामेंटल राइट्स को जानते हैं, बहुत कम लोग जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि किसी भी धर्म का आचरण जो है वो साइंस के आधार पर होना चाहिए। अगर वो साइंस के विपरीत है तो साइंस को ही फॉलो करना चाहिए। ये जो लॉकडाउन पीरियड है, ये साइंस के आधार पर, एक्सपर्ट्स के एडवाइस के आधार पर, और ये वैश्विक बीमारी को भारतवर्ष में रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है, और इसका पालना करना हर एक धर्म का पालना करने वाले हर एक नागरिक को ये अनिवार्य है, ये कर्तव्य है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हैंड वॉश करना, और आज प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जहां तक हो सके मास्क पहने, और जिनके पास मास्क नहीं है तो वो कपड़े को जो फोल्ड करके या रुमाल को फोल्ड करके, तीन फोल्ड करके भी बांध सकते हैं। इससे आपका जो बीमारी है जो भी है, किसी ड्रॉपलेट्स जो है दूसरों को नहीं लगेगा, और दूसरों का जो भी ड्रॉपलेट्स है वो आपके ऊपर नहीं आएगा, और इसका अच्छा असर रहेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हर एक आदमी सोचता है कि ये बीमारी मुझे नहीं लगेगा। मैंने एक्सीडेंट्स में भी देखा, हर एक आदमी सोचता है कि
उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट नहीं होगी, लेकिन जब लापरवाही बरते हैं तो एक्सीडेंट होते रहती है। इसी तरह अगर हम किसी तरह का लापरवाही करेंगे तो ये बीमारी को हम कंट्रोल करने में असमर्थ हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग एक लॉकडाउन पीरियड का वन टाइम अफेयर नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग आगे लगातार रखना पड़ेगा। जो जिन देशों में जैसे चाइना, साउथ कोरिया में कंट्रोल हुआ, वो दोबारा वहां पे लैप्स हुआ, जहां नेगेटिव आ गए थे वो फिर से पॉजिटिव केसेस आने लगे। इसलिए हमको मान के चलना होगा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, ये जो है ये काफी लंबा अरसे तक शायद हमको करना पड़ सकता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अमेरिकी बुद्धिजीवी रेनॉल्ड नेबर ने एक बात कही है कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको हमको स्माइलिंगली एक्सेप्ट करना चाहिए। जो हमारे हाथ में है, जिसमें मौका है, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये लॉकडाउन जो है ये हमारे हाथ में, इसमें कुछ नहीं है, ये मेडिकल एडवाइस पर ये कानून बना हुआ है और देश भर में इसको हमको पालना करना ही होगा। और इसका एक मौका है कि जो स्टूडेंट्स जो IIT या AIIMS की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छा मौका है पढ़ाई करने का। और इसी तरह जो अपना जो स्टूडेंट्स अपना सिलेबस भी अगले साल का पूरा कर सकते हैं, इसका मौके का फायदा उठाना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए, जो यंगस्टर्स के लिए 1 घंटे का और एडल्ट्स के लिए आधा घंटे का WHO का जो डायरेक्टर जनरल ने प्रिस्क्राइब किया है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए और जो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ मेंटेन करना चाहिए। और जो बाकी एडल्ट्स पूजा पाठ भी कर सकते हैं और कई किताबें पढ़ सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है, जो इमोशनल डिस्टेंस को कम करना है, ये कम करने का मौका है। हमारे रिश्तेदारों से हम बात कर सकते हैं, रिश्ता जो दूरी है दूरी को कम कर सकते हैं और नए नए रिश्ता बना सकते हैं, नए नए वर्ल्ड कॉन्टेक्ट को आप फोन कर सकते हैं। तो इमोशनल डिस्टेंस को कम करना ये एक मौका है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। आपके पास बहुत समय है ये करने के लिए, और फोन करते रहिए और साथ में सोशल मीडिया में भी आप एक दूसरे का संपर्क कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये एक मौके को बड़ा खुशी से हमें बीतना चाहिए और डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। धन्यवाद।